हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आर से जो है ऑनलाइन क्लासेज क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 8 टॉपिक गोल्गी बॉडी। इसकी खोज जो है वो 1898 में है, कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी ने की थी और खोज भी इन्होंने उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में, उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में की थी। इसके अन्य नाम या उपनाम, अन्य नाम भी हैं जिनके नाम से इनको जाना जाता है, जिसमें डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम या जालीकाय, डिक्टियोसोम इसको जालीकाय। इसके अलावा इसको लाइपोकॉन्ड्रियन के नाम से भी जाना जाता है, लाइपोकॉन्ड्रियन के नाम से भी जाना जाता है। यह है प्रोकैरियोट जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, प्रोकैरियोट प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है उनमें अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर यह पाया जाता है, उपस्थित होता है। यह एकल झिल्ली युक्त होता है, यानी कि इसके बाह्य जो आवरण है वो एकल झिल्ली से परिबद्ध होता है या फिर इसमें घिरा होता है। इसकी संरचना, संरचना में तीन रचनाएं होती हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूबुल, तीनों संरचनाएं इसमें पाई जाती हैं। सिस्टर्नी जो होती है वो चपटी थैलेनुमा रचना होती है, चपटी थैलेनुमा रचना होती है। ये सिस्टर्नी जो होती है ये ही इसका निर्माण करती है, जो कि एक रूप से व्यवस्थित होकर, एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर ये इसका निर्माण करती है। और एक गोल्जी कोय में इसकी संख्या जो होती है वो संख्या 3 से 12, यानी कि एक गोल्जी काय के अंदर सिस्टर्नी की संख्या 3 से 12 तक होती है। सिस्टर्नी के अलावा इसमें वेसिकल्स, ट्यूबुल्स उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त ये प्याले कटोरे की आकृति की होती है, क्योंकि इनकी सतह वक्रित होती है, प्याले या कटोरे जैसी होती है, क्योंकि ये वक्रित रहती है, वक्रित पाई जाती है। इनमें उत्तल सतह को संपक्ष तल, उत्तल सतह जो पाई जाती है उसको संपक्ष, संपक्ष बोलते हैं, या फिर सिस्फेज, सिस्फेज बोलते हैं। अवतल जो सतह होती है उसको ट्रांसफेस, ट्रांसफेस बोला जाता है, या फिर पारतल, पारतल इसको कहा जाता है, या फिर इसको बोलते हैं परिपक्व तल, परिपक्व तल इसको कहा जाता है। इस प्रकार से दो है, उत्तल सतह जो होती है उसको संपक्ष बोलते हैं या फिर सिस फेस। इसके अतिरिक्त सेकंड जो है अवतल सतह, और अवतल सतह को बोलते हैं यहां से ट्रांसफेस, इसको पारतल या फिर परिपक्व तल बोलते हैं। सिस्टर्नी के चारों ओर, सिस्टर्नी जो होती है उसके चारों ओर पुट्टिकाएं यानी कि वेसिकल्स और दूसरा ट्यूबुल्स, वेसिकल और ट्यूबुल्स
जे उसको चारों तरफ से घेरे रखती है। गोल्गी बॉडी जो है उसके कार्य कार्य में ये लाइसोसोम का निर्माण करती है। लाइसोसोम का इसके द्वारा निर्माण किया जाता है। इसी के साथ लाइपोप्रोटीन का स्राव किया जाता है। लाइपोप्रोटीन इसी के साथ शुक्राणु के एक्रोसोम इस एक्रोसोम का निर्माण भी गोल्गी बॉडी के द्वारा ही होता है। इसकी संरचना जो है संरचना के अंदर तीन प्रकार की रचनाएं सम्मिलित होती हैं, जो कि अभी हमने पढ़ा है, सिस्टर्नी वेसिकल्स और ट्यूबुल्स। देखेंगे इसकी संरचना। यहां पर संरचना के अंदर दो प्रकार से हैं, एक उत्तल सतह होती है और एक यहां पर इसमें अवतल सतह पाई जाती है। अब ये वाला जो पार्ट है उत्तल सतह जो है उसको समपक्ष और अवतल सतह जो है इसको परिपक्व तल कहा जाता है। ये वाला जो पार्ट है ये सिस्टर्नी इसमें होती है। इस प्रकार से ये गोल्गी बॉडी जो होता है उसका डायग्राम। तो इस प्रकार से जो आज का टॉपिक है गोल्जी कॉइल और उसकी संरचना ये कंप्लीट होती है। धन्यवाद।